हाई एवरी वन, आई एम वैशाली एंड वेलकम बैक टू माई चैनल वैशालीज कॉर्नर। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि डेनिम जैकेट में आप अपना साइज़ कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं। बहुत से लोगों को इस चीज़ में डाउट होता है कि हम अपने साइज़ को कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं जब हम डेनिम जैकेट को बाय करते हैं। तो बस ये वीडियो इसी पर होने वाला है, आपके सारे डाउट्स को मैं क्लियर कर दूँगी इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाके उसे सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपने ऑलरेडी कर रखा है तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। और मैं अपना इंस्टाग्राम हैंडल यहीं पे कहीं पे लगा दूंगी, तो वहाँ पे भी जाके आप मुझे फॉलो करिएगा। तो अब अगर आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि आप डेनिम जैकेट को अपने साइज़ का कैसे मंगा सकते हैं, तो उसके लिए आपको पहले तो ये करना होगा, सबसे पहले तो आप अपने बस साइज़ को मेज़र करेंगे। मैं यहाँ मेज़रमेंट चार्ट लगा दूंगी, तो उससे आप चेकआउट कर लीजिएगा कि आपका बस साइज़ क्या है। बट इसके पहले आपको ये भी सेलेक्ट करना पड़ेगा कि आपको किस टाइप की डेनिम जैकेट पहनना पसंद आता है। जैसे कि कुछ लोगों को फिटिंग की जैकेट्स पसंद आती है, शॉर्ट पसंद आती है, और कुछ लोगों को हल्की लूज़ पसंद आती है, और कुछ लोगों को काफ़ी ज़्यादा लूज़ फंकी टाइप की डेनिम जैकेट पहनना पसंद आता है। अगर आपको फिटिंग में डेनिम जैकेट लेना है तो आप अपना साइज़ ही लेंगे, मीन्स जो साइज़ आपने चूज़ किया होगा बस साइज़ मेज़र करके। मीन्स अगर आपका स्मॉल आ रहा है तो आप स्मॉल ही लेंगे, और अगर आपको थोड़ी लूज़ चाहिए जैकेट तो उसके लिए आप एक साइज़ लार्जर लेंगे, मीन्स मीडियम साइज़। और अगर आपको थोड़ा फंकी लुक चाहिए और ज़्यादा लूज पसंद आती है तो आप दो साइज़ लार्जर लेंगे, मीन्स लार्ज। और अगर आप शॉर्ट जैकेट पसंद करते हैं वेयर करना, तो उसके लिए आप हमेशा ये याद रखिएगा उसे आप लूज़ नहीं ले सकते, क्योंकि वो लूज़ पहनने में अच्छी नहीं लगती। तो आप उसके लिए अपनी जो आपका साइज़ है बस साइज़ उसी के अकॉर्डिंग लेंगे, एक साइज़ लार्ज या कुछ ऐसा नहीं लेंगे। तो उसके लिए आप अपनी एग्जैक्ट जो साइज़ आई है उसी साइज़ में ही आप उसे बाय करेंगे। आई होप आपकी डाउट सब क्लियर हो गए होंगे। तो अब मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय।